हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है अलाउद्दीन मिस्त्री और आप देख रहे हैं बिलीव मी। यह है मेरे एक अमेजोन का बॉक्स जो कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक लाइट ऑर्डर की है जो कि मेरे पास आ गई है और अब हम इसे खोल कर दिखाते हैं। तो चलिए इसको मैं पहले कट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ऐसे हमने कट कर ली है और इसके अंदर कुछ खास है नहीं, और ये है वो लाइट। इधर कुछ इसका बारकोड दिया हुआ है, इस साइड लाइट देख रहे हैं आप। और अब हम इसे खोल लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये है लाइट जो कि आप किसी ट्राइपॉड पे माउंट कर सकते हैं। इसके अंदर आप मोबाइल भी लगा सकते हैं और ये इसका एसबी। इधर कुछ बटन भी दी हुई है, आप देख सकते हैं, ऑफ ऑन प्लस माइनस सब कुछ यहाँ पे दी हुई है। तो चलिए इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल की चार्जर के साथ। और ये इसका गिम्बल टाइप का कुछ है, ठीक है, जो आप ट्राइपॉड पे माउंट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे कुछ इस तरीके से मूव करवा सकते हैं। और ये इसका लाइट है, काफ़ी हल्का है और प्लास्टिक का है, टोटल काफ़ी हल्का फुल्का है। वायर काफ़ी अच्छा है, इधर इसका बटन दी हुई है कुछ, ठीक है। तो अब हम इसे हम एक यूएसबी पे लगाते हैं, यूएसबी मोबाइल चार्जर पे लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका ब्राइटनेस कैसा है। तो ऐसे से हमने एक मेरी चार्जर अडाप्टर पे लगा दिया है, अब इसे हम बोर्ड पे कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे हमने इसे बोर्ड पे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे स्विच देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक एलईडी ब्लिंक कर रही है, ठीक है। और ये रही इसका ऑफ ऑन के बटन, हम इसको प्रेस करते हैं। ये देखिए कुछ इसका ब्राइटनेस है, काफ़ी छोटा है लेकिन कम चल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे बटन दी हुई है, और यहाँ पे लाइट को चेंज करने भी बटन दी हुई है। जैसे कि मैं आपको कम कर देता हूँ, ये देखिए ये कुछ कम हो रही है, ठीक है, ये इसका। और अब इसे प्लस करके ये देखिए ये कुछ बढ़ रही है, और बीच में जो बटन है ये कलर चेंज हो जाती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से कुछ रेड वाला फीलिंग आ रही है, और ये इसका फीचर्स सफेद। ये कुछ इसका फीचर्स काफी अच्छा है। अब मैं आपको लाइट बंद करके दिखाता हूँ कि इसका ब्राइटनेस कैसा है। तो इस मैंने अपनी कमरे की सारी लाइट बंद कर दी है। अब इसका ब्राइटनेस, अब ये देखिए, अगर आप इसे अमेजोन से खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाके परचेस कर सकते हैं। मैंने जिस पर्पज़ के लिए ख़रीदा था शायद ये काम नहीं करे, लेकिन अगर आप वीडियो बनाते हैं छोटी मोटी, या फिर आप कोई फ़ोटोशूट वगैरह करना चाहते हैं अंधेरे में, ब्राइटनेस की कमी की वजह से आप इसे यूज कर सकते हैं। इतना अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा ब्राइटनेस के मामले में, लेकिन ठीक ठाक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले किसी वीडियो पे, नए टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।